ट्वेल्थ तक तो यहाँ तक किया हमने, लेकिन ट्वेल्थ करने के बाद ना बाहर नहीं जाने दे, क्योंकि गांव वालों को एक अलग ही खौफ था कि लड़की अकेली जाएगी, अकेली पढ़ेगी, अकेले ही सब कुछ कैसे करेगी। ट्वेल्थ पास की तो मम्मी पापा ये बोलते थे ना कहीं नहीं जाना, गांव का माहौल खराब था। ब्रेक थ्रू संस्था स्कूल के साथ साथ गांव में काम करती है और गांव में अनेकों एक्टिविटीज करती है, और जिसमें से पीआरए एक एक्टिविटी है जिसका फुल फॉर्म है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, जिसके तहत हम गांव के युवाओं को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि वो अपने गांव की समस्याओं के बारे में जानते हो, और जब वो उसका पार्ट बनते हैं पीआरए एक्टिविटी का तो वो बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। हमने पाया कि 12वीं के बाद में यहाँ पे लड़कियाँ कॉलेज नहीं जा पाती हैं, हमारे यहाँ पे सेफ्टी एक मेजर इशू था, गर्ल्स मोबिलिटी एक मेजर इशू था। जीवन में बदलाव आते हैं, ऐसे टीम हमारे साथ आई, ब्रेक थ्रू संस्था जिसे जो हमारे साथ जुड़ी। ब्रेक थ्रू संस्था तारों की टोली के सेशन करते थे, हमारी क्लास लेते थे स्कूल में आके, तो हमारे अधिकारों के बारे में बताते थे कैसे हमारा अधिकार है, क्या हमारा अधिकार है, कैसे हमारा शोषण होता है। तो हमें ये बात पता चली तो उसके बाद गांव में जाके मम्मी पापा से बात करते थे कि आप अपनी लड़की क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। माँ बाप अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से बहुत झिझक करते थे, और ये हमारा क्योंकि ये जो गांव है ये शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है, और रास्ते जिस तरीके के हैं, जंगल हैं, खेत हैं, तो इसी के चलते हमने ये पाया कि ये एक मेजर मुद्दा जिसकी वजह से लड़कियां बाहर पढ़ने नहीं जा पा रही हैं या अपने सपने पूरे करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इन्होंने हमारे घर वालों को मनाया, इन्होंने घर वालों से कहा कि भाई हाँ, अगर आपकी लड़कियां आगे पढ़ने जाती हैं तो उनको पढ़ने दो। लड़कियों का हमारे ग्रुप बना शक्ति ग्रुप, इस शक्ति ग्रुप में हम कम से कम 20-22 लड़कियाँ हैं। शक्ति ग्रुप में हमारे जो सबसे अच्छी चीज़ है, दूसरी लड़कियों को भी हम इसमें मौका देते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी जैसे हम निकले हैं ऐसे ही वो लड़कियां भी निकले। पूरे ग्रुप ने आपस में डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद हमने एक लेटर लिखा CGMM को। लेटर लिखने के बाद हम सब ने उस पर हस्ताक्षर किया और साइन किए। सिग्नेचर करने के बाद कुछ लड़कियां वहां पर मैम के पास गई, मैम के पास जाकर उनसे बात की, उनको लेटर जो लिखा था वो लेटर दिया। लेटर देने के बाद मैम को इन्वाइट भी किया यहाँ पे, यहाँ का माहौल दिखाने के लिए, यहाँ के बारे में बताने के लिए। उन्होंने लेटर लिखा रोडवेज GM को और एक बस यहाँ पे लगवाई गई। उस बस की वजह से आज हमारे गांव से, देवीपुर गांव और आसपास के गांव से लगभग 20 लड़कियाँ जो है वो ITI और कॉलेज में जा पा रही हैं और अपने सपनों को उड़ान दे पा रही हैं। लेकिन उसके बाद एक समस्या और उजागर रूप से नज़र आई, वो थी लड़कियों की सुरक्षा की। जो हमारा शक्ति ग्रुप था उन्होंने उस समस्या को फिर से अपने संज्ञान में लिया और फिर से एक लेटर लिखा गया, CGM मैडम को लिखा गया, SHO को लिखा गया, और उन्होंने वो लेटर दिया। और उसके बाद से एक PCR लगातार यहाँ पे दिन में कम से कम 3 से 4 बार गश्त करती है। अब वो PCR की गश्त की वजह से वो एक सुरक्षा का माहौल भी हमें यहाँ पे नजर आने लगा है, जिससे मोबिलिटी काफी हद तक बेहतर हुई है। अब मैं देखती हूँ जो ब्रेक थ्रू संस्था हमारे गाँव में आई है और उनकी वजह से जो बस लगी है और अब लड़कियां स्कूल में जाने लगी है, उससे इतना इफेक्ट पड़ा है कि भाई अब मुझे लगता है कि भी पहले ये बस चल जाती तो हमारी लड़कियां भी आगे पढ़ पाती। जब से शक्ति ग्रुप में मैं शामिल हुई ना, तब से बहुत सारे चेंज आए। पहले तो किसी के सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, अब बोलने की हिम्मत भी है। क्या प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम नहीं बता पाते थे, लेकिन अब जो भी प्रॉब्लम है खुल के बता देते हैं। अब आज लड़कियां इतनी जागरूक हो गई हैं कि भी हमारे गांव में कम से कम 10 से 15 लड़कियां जाती है करनाल पढ़ने के लिए, कोई ITI जाती है। उन लड़कियों से मोटिवेट होके अब और लड़कियां भी जाने के लिए, जो बिल्कुल ही माँ बाप आगे ही नहीं पढ़ाना चाहते थे अपनी लड़कियों को, वो लड़कियां भी अब जाने के लिए तैयार हो रही हैं।